हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विकिपीडिया। सो आज है अपना डे 21 ऑफ द 40 डे एसएससी सीजीएल मेंस क्रैश कोर्स, और आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे रिगार्डिंग पॉलिटी, एंड इन द पॉलिटी आल्सो द टॉपिक इज रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। बट जस्ट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग विच इज द टेस्ट सीरीज। अभी पीडिया ने एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम के लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है विद 10 टेस्ट कंटेनिंग 60 क्वेश्चंस ईच, और हर टेस्ट के अंदर दो सेक्शंस होंगे, क्वांट और रीजनिंग विद 30-30 क्वेश्चंस ईच। नाउ इस टेस्ट सीरीज की सबसे यूनिक चीज क्या है कि दिस टेस्ट सीरीज हैड बीन हैंडमेड, और हैंडमेड मतलब हमारे टीचर्स ने खुद कोई ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करा कहीं से, खुद क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं, उनके हार्डवर्क बहुत ज्यादा, अपना हार्डवर्क पुट इन करने के बाद इस टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया गया आपके लिए। एंड वन मोर थिंग, द बिगेस्ट थिंग, दिस टेस्ट सीरीज अवेलेबल टू यू एट जस्ट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹249, सिर्फ 250 रुपए भी पूरे नहीं, सिर्फ ₹249 के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जा रही है। बिकॉज अभी पीडीएफ रियली बिलीव्स दैट प्राइस शुड नॉट बी एन हिंड्रेंस इन फ्रंट ऑफ योर करियर, दैट इज द रीजन कि हम इतने अफोर्डेबल प्राइजेस पे ऐसे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करते रहते हैं आपके लिए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे, आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होकर जाए अपने एग्जाम के लिए और आप ऑफिसर बन के निकले। सी, तो आपके लिए इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा रही है, ग्रैब इट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करें, अपने आप को चेक करें, ठीक है, बिकॉज द एग्जाम इज अराउंड द कॉर्नर, एग्जाम बहुत नियर है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा सीधा हिट करना चाहिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहिए और सीधा एग्जाम में अपीयर करो और फोड़ के आओ एग्जाम को, राइट, एग्जाम एकदम ऐसे फोड़ के आना है, तो उसके लिए जो भी कमी है सारी दूर कर ही जानी चाहिए। ओके, एंड वन मोर थिंग, सी दिस इज द व्हाट्सएप ग्रुप, इसका लिंक नीचे बायो में है, हमने आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है जिस व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर आपकी क्वेरीज को अभी पीडीएफ पूरे एफर्ट के साथ इसको आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेगा, एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मैं आपकी जगह होता था इसको तो सबसे पहले ज्वाइन करता। द लिंक ऑफ दिस व्हाट्सएप ग्रुप इज इन द बायो, सो डू चेक दिट आउट, डू रिजॉल्व ऑल, टू गेट ऑल ऑफ योर क्वेरीज रिजॉल्व एज फास्ट एज पॉसिबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोर टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मैं आपके सामने का प्रोटोकॉल रिपीट कर देता हूं फटाफट, आपको पॉज करना है, क्वेश्चन को अपने आप अटेम्प्ट करना है, मैं कंटिन्यू करूंगा, अपने आप सोचना है, दिमाग को थोड़ा जोर लगेगा, चीजें याद रहेंगी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है जिससे बेसिकली आप सिंपल भाषा में इसको कहते हैं कि सरकार गिराने का जो मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिससे यह दिखता है कि जो आपकी लेजिस्लेचर है उनको एग्जीक्यूटिव के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, राइट, तो इसीलिए उसको सरकार गिनाने भी बोला जाता है। तो उस मोशन को कहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ऑप्शन है आपके राज्यसभा, लोकसभा, बोथ ए एंड बी, और नाइदर ए नॉर बी, ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, बोथ, किसी में भी या फिर किसी में भी नहीं। सो पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लोकसभा। सो मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा, बिकॉज लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं दीज आर देवर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, उसी को लोअर हाउस बोला जाता है, दैट इज देयर इज अ रीजन इसको लोकसभा बोला जा रहा है, लोक मतलब जो लोग हैं इंडिया के, उन्होंने उनको डायरेक्टली इलेक्ट करके भेजा हुआ है। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट मोशन, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे ऐसे मोशन है जिनमें सरकार गिराने की बात आती है, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और ऐसा बिल है जो सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, विच इज द मनी बिल, उसको भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि लोकसभा के अंदर मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। बट नो कॉन्फिडेंस मोशन की एक चीज डिफरेंट क्या है कि ये इंट्रोड्यूस भी लोकसभा में होता है, पास भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर होता है, राज्यसभा का इसके अंदर कोई रोल है ही नहीं, एब्सोल्युटली नो रोल। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर लोकसभा का ही रोल है सिर्फ और सिर्फ, राज्यसभा का इसके अंदर बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है, एब्सोल्युटली नो रोल एट ऑल। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, लोकसभा। सी, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एंड ओनली इन लोकसभा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ लोकसभा, इनमें से लोकसभा का सेशन कौन सा नहीं है, ऑप्शन है आपके ए बजट सेशन, बी मानसून सेशन, सी समर सेशन, और डी विंटर सेशन। चार सेशन आपके सामने ऑप्शन में लिखे हैं, इनमें से कौन सा सेशन इंडिया में नहीं कंडक्ट किया जाता। ओके, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग
इंडिया के अंदर दो सेशन एज सच मैंडेटरी है. वाई? बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि हर 6 महीने के बाद एक सेशन कराना बहुत जरूरी होता है. तो दैट इज द रीजन कि साल में 2 बार सेशन कराने मैंडेटरी है. बट इंडिया के अंदर क्या नॉर्म है, हमारे यहाँ पे जनरली 3 सेशन कराए जाते हैं. साल के अंदर 3 सेशन होते हैं, तो इनमें से 3 सही होंगे. एक ऐसा सेशन होगा जो कि नहीं कराया जाता, आपको वही आइडेंटिफाई करना. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, समर सेशन. हमारे यहाँ पे बजट सेशन होता है, उसके बाद मॉनसून सेशन होता है, फिर लास्ट में विंटर सेशन कराया जाता है. ओके, सो दीज 3 सेशन आर देयर, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. समर सेशन इज नॉट देयर, हेंस इट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, आई होप चीजें याद भी हो रही होंगी साथ साथ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट इज ऑल्सो नोन एज, क्या क्वेश्चन है ये? बेसिकली क्या पूछा हुआ है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर एज सच कहीं पे भी बजट वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ. बजट की जगह एक दूसरी टर्म यूज रखी है, आपको वही आइडेंटिफाई करनी है. राइट, इस क्वेश्चन को दूसरी फ्रेम में भी फ्रेम किया जा सकता था कि लाइक आपसे पूछ लेते कि इज द वर्ड बजट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर होगा नो, क्योंकि एज सच बजट कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है या लिखा भी नहीं हुआ. ओके, एंड एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, द ऑप्शन आर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट और टैक्सेशन स्टेटमेंट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अंदर लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, विच इज कॉली लोकली नॉर्मली इसको बजट कहते हैं. ओके, जो हर साल फरवरी के अराउंड रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, और हाँ एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बजट जो प्रेजेंट करना होता है वो किसकी मैंडेशन होती है? नॉर्मली सबको लगेगा फाइनेंस मिनिस्टर, बट नहीं, प्रेसिडेंट. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट हैज द मैंडेट टू प्रेजेंट द बजट, दैट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नॉट द बजट, इनफैक्ट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सो वो भी रिमेंबर करेंगे यहां से. ओके, सी ए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज एज एन ऑफिशियल अपोजिशन ग्रुप इन द पार्लियामेंट, हाउ मेनी सीट शुड इट हैव? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अपोजिशन पार्टी कहलाने के लिए मिनिमम कितनी सीट्स आपकी, आपकी जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर आपकी होनी चाहिए पार्टी की. अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर अपोजिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब यह है कि अपोजिशन होना जरूरी है, तभी जो है सरकार से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. नहीं तो एक ही पार्टी की इतनी ज्यादा मेजोरिटी अगर हो जाएगी तो उनसे सवाल कौन करेगा, उनके पास तो पूरी पावर आ जाएगी. तो अपोजिशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, सो अब यहां पर क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि किसी पार्टी को अपोजिशन के लाने के लिए कितनी नंबर ऑफ सीट्स मिनिमम इट शुड हैव ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. सो द ऑप्शंस आर 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, और नीचे वाला ऑप्शन आई डोंट थिंक सो विजिबल है, बट लिखा 1/10. यहां पर क्या लिखा हुआ है? 1/10, इट इज 1/10. ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 1/10. सो एक पार्टी को अपोजिशन पार्टी कहलाने के लिए मिनिमम 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ, 1/10 सीट्स उसको जीतनी पड़ती हैं, तभी वो अपोजिशन पार्टी कहलाती है. एज ऑफ नाउ प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग करेंटली कांग्रेस को हम अपोजिशन बोल रहे हैं, बट एज टेक्निकली लीगली उनको अपोजिशन नहीं बोलना चाहिए बिकॉज उनके पास 1/10 सीट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल जो टोटल स्ट्रेंथ है सब लोकसभा की 543, उसका 1/10 कितना होगा? 54.3, विच इज राउंडेड ऑफ टू 55. तो मिनिमम 55 सीट्स अगर लेते तो उनको बोलते हम अपोजिशन पार्टी, बट उनके पास 55 सीट से कम है. बट अब लार्जेस्ट लेकिन पार्टी वही है अपार्ट फ्रॉम द बीजेपी, लार्जेस्ट पार्टी मतलब लार्जेस्ट सीट उन्हीं के पास है, तभी उनको अपोजिशन पार्टी बोल दिया जाता है. ओके, सो आंसर है डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शनरी कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, इनमें से किसको? नॉर्मली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो ओपिनियन देते ही है, बट इनमें से भी कौन सा ऐसा फंक्शनरी है विच कैन गिव द ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? अपार्ट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फंक्शनरी पार्लियामेंट के अंदर ओपिनियन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं? ओके, ऑप्शन है आपके ए अटॉर्नी जनरल, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और डी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग. ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, द हाइएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 76, राइट? Why so? Because Attorney General of India के पास Member of Parliament के सारे powers और privileges इनको provided किए जाते हैं. He can speak in the Parliament, he can also be a part of the any parliamentary committee, he can attend the sessions, but
ही डज नॉट हैव द राइट टू वोट, ये वोट नहीं कर सकते। उसके अलावा जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के प्रिविलेज है सारे के सारे अटॉर्नी जनरल को प्रोवाइडेड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनमें से कोई भी बाकी बचे हुए ऑप्शन से कोई भी कोई ओपिनियन नहीं दे सकते, इनका कोई लेना देना है सच नहीं है लेजिस्लेचर से। ओके, ना सीजेआई का, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ना कैग का। ओके, अटॉर्नी जनरल को अंडर आर्टिकल 76, आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। कौन रिमूव करते हैं? प्रेसिडेंट अपनी जब मर्जी का रिमूव कर सकते हैं। उन्हीं के एक ऑफिशियल, एक तरीके से सरकार के ऑफिशियल एडवोकेट की तरह होते हैं अटॉर्नी जनरल। इनको रिप्रेजेंट करते हैं सरकार को, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट को, आई मीन यूनियन ऑफ इंडिया को। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप चीजें आपको साथ साथ याद हो रही होंगी, और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे रहे हैं डू रिमेंबर दोज पॉइंट्स एज वेल, दीज आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अंडर लाइक आर्टिकल 76 रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज दैट, ऑप्शन आपके सामने, ये सारे के सारे जो है बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट के फीचर्स तो सारे ही हैं, चारों के चारों ही हैं, बट इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा निकल के आता है आपसे वो पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन ए, इट इज द यूनियन लेजिस्लेचर इन इंडिया। ऑप्शन बी, इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी, इट इज बाइकैमरल इन नेचर। एंड ऑप्शन डी, द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज नेवर डिसॉल्वड। ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द प्रेसिडेंट। यहां से पता लगता है हमें कि जो पार्लियामेंट है उसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना कि दो। तीन कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। हाउ सो? फॉर एग्जाम्पल, कि कोई भी बिल है अगर उसको एक्ट बनना है तो उसको तीन स्टेजेस से पास करना पड़ता है। फर्स्ट हाउस से, दैट इज कैन बी लोकसभा और राज्यसभा, देन सेकेंड हाउस, दैट कैन ऑल्सो बी लोकसभा राज्यसभा, और थर्ड, जब तक प्रेसिडेंट की असेंटिंग लगेगी वो जो बिल है वो एक्ट नहीं बन सकता। सो विदाउट द प्रेसिडेंट द पार्लियामेंट कैन नॉट फंक्शन ऑल टूगेदर। ओके, सो प्रेसिडेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। यहां से पता लगता है दैट इज द रीजन कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भी यही है इसमें से। ओके, बाकी सारे फीचर भी हैं, उनमें गलती नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यही वाला है अमंग दीज। ओके, नेक्स्ट, Which of the following has the powers to create new All India services? इनमें से किसके पास पावर है new All India service क्रिएट करने की? अब All India service क्या होती है? देखो, दो टाइप की services होती है, एक All India services, एक central services. There are two types of services. One is All India service, right? And other one is central services. All India service कौन सी होगी? जिसके अंदर center plus state दोनों का control होगा, दोनों के कुछ ना कुछ फंक्शन होंगे। सेंट्रल सर्विसेज कौन सी होंगी? जिसके अंदर कंप्लीटली सेंट्रल। फॉर एग्जांपल, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर क्या क्या आएगा? आईएएस, आईपीएस, राइट, एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इनफैक्ट। ओके, और सेंट्रल सर्विसेज के अंदर क्या आएंगे? लाइक आईआरएस, राइट, इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस। ओके, अब यहां क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि जो ऑल इंडिया सर्विस है, मान लो कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो इनमें से किसके पास पावर है ये क्रिएट करने की? ऑप्शंस हैं आपके ए पार्लियामेंट, बी यूपीएससी, सी यूनियन कैबिनेट, और डी मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवांस, राइट? ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पार्लियामेंट। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर होगा आपका, पार्लियामेंट से भी ज्यादा, राज्यसभा। अंडर आर्टिकल 312, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 312, अंडर आर्टिकल 312 राज्यसभा, इफ राज्यसभा पासिस अ स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर राज्यसभा एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दे कि भाई न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है, तो लोकसभा को उस पर एग्री करना पड़ेगा और एक ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, सो टेक्निकली राज्यसभा हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस अंडर आर्टिकल 312। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डू रिमेंबर दिस। कोई भी कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, and I hope you know this, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके आ गया है उसको मिस आउट नहीं करना, स्पेशली when it come to these questions, ये आपके लिए low hanging fruits है अगर आप इनमें माहिर हो जाए तो। Okay, next, which one of the following bills must be passed by each house of the Indian Parliament separately by special majority? Options हैं आपके A, ordinary bill, B, money bill, C, finance bill, और D, constitutional amendment bill. Okay, क्या पूछा हुआ है आपसे? कि इंडियन पार्लियामेंट के अंदर
जो इनमें से कौन सा ऐसा बिल है जो कि दोनों हाउसेज में लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना मैंडेटरी है। ओके, ऑप्शन है आपके ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। दिस इज द फोर्थ ऑप्शन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का क्या प्रोविजन होते हैं कि इसको आप किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पहली बात तो लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, और सबसे बड़ी बात दोनों के दोनों हाउस के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से पास करना जरूरी होता है इसको। नॉर्मल तीन कई सारी टाइप्स की मेजोरिटी होती है, यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल्स ऑफ दैट। अगर फर्दर लेक्चर्स आएंगे वहां पर मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा, वहां पर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेजोरिटी, थोड़ी टफ लेवल की मेजोरिटी है। तो दोनों हाउस में लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली दोनों के दोनों हाउस के अंदर आपको स्पेशल मेजोरिटी से इस बिल को पास करना जरूरी होता है, ओनली देन इट कैन बिकम एन एक्ट। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को मैंडेटरी है उसको असेंट देना, वो रोक नहीं सकते, उनको पास करना ही पड़ेगा, राइट? So and then it will become an act. Okay, next. See answer D. Next, if a member of parliament becomes disqualified for membership from membership, the decision of his removal is taken by. अगर कोई member of parliament है, if he is disqualified, तो इसका जो decision होगा finally, वो कौन लेगा? Okay, तो options हैं आपके, अच्छा question है बहुत, Chief Election Commissioner, President of India on the advice of Council of Minister, President of India in inquiry by Supreme Court Justice, or President in accordance with the opinion of the Election Commission, right? Fourth option है आपका President in accordance with the opinion of, D option क्या है आपका President with the in accordance with the opinion of Election Commission, okay? D option है President Election Commission की, उस पर बात पे माने तो, so the correct option फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। अंडर आर्टिकल 102 सिर्फ एक ये ऐसा प्रोविजन है जहां पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेता बल्कि एक दूसरी बॉडी के एडवाइस पे काम कर रहा है, विच इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 102 किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डिस्क्वालिफिकेशन की रिकमेंड करेगा अगर प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट उस पर एग्री करता है और उनको डिस्क्वालिफाई कर देता है। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिमेंबर रखेंगे, याद करेंगे इसको, याद रखेंगे इसको। ओके, नेक्स्ट, सी अंडर आर्टिकल 102, नेक्स्ट। ओके, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड, वेयर वॉज द फर्स्ट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म। इसमें अगर आप लॉजिक से तुक्का भी लगाएंगे ना आई गेस, तो भी मेरे हिसाब से ठीक बैठ जाएगा आपका, अगर आपको नहीं भी याद कि फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पर है। इसका हिंट ये होगा कि जहां पर सबसे ज्यादा पार्लियामेंट की ही चलती है। ऑप्शंस हैं आपके ए ब्रिटेन, बी बेल्जियम, सी फ्रांस और डी स्विट्जरलैंड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ब्रिटेन। ब्रिटेन एज वी ऑल नो वहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम सबसे बहुत स्ट्रांग है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी इनफैक्ट देयर, वहां पर उस पर किसी की नहीं चल रही होती, राइट? सो द फर्स्ट टाइम वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम वॉज फॉर्म, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए ब्रिटेन। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। So this brings us to the end of our video, but before ending it, I want to show you one more thing. Abhi PDA ne ek bahut acha initiative aapke liye launch kar rakha hai, which is the micro courses. What is this? Ki let's say aapko kisi particular subject ke andar sirf ek particular topic prepare karna hai. For example, ki aapko quant ke andar sirf mixture and allegation ko prepare karna hai. Baki aapka sara topic aapne prepare kar liya, right? To uske liye bhi abhi PDA ne aapke samne ek bahut acha option create kar rakha hai, which is the micro courses. To uske liye aapko kya karna padega? Just log in to Abhipedia website and there choose the exam, see SSC CGL, okay, now scroll down, see Microverse, click here, then put your number here, okay, now see here, for example aapko quant ke andar aapko pura bundle aapko itne ka mil jayega, wo bhi sirf 1700 mein, but let's say aapko sirf mixture and allegation prepare karna hai, to see just rupees 47 mein aapko mixture and allegation mil jayega, और भी सारे के सारे टॉपिक्स हैं, जीएस के भी सारे टॉपिक्स आपको यहां मिल जाएंगे, जीके के सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, यू नेम इट वी हैव इट, एवरी ईच एंड एवरी टॉपिक इज ओवर हियर, सो इन विच एवर वे यू वांट टू डू जस्ट गो फॉर इट। सारे के सारे ऑप्शंस हमने इसे आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं, सो जस्ट कीप फॉलोइंग अभिपीडिया एंड विच एवर वे यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद अस यू फील फ्री। ओके, एंड वन लास्ट थिंग, इफ यू वन लास्ट रिक्वेस्ट आई वुड से, इफ यू आर लाइकिंग अवर वीडियो
then please give us a thumbs up and share our videos. And if you have any query, you can join our WhatsApp group, or you can also write down in the comment section. With this, I wish you all very good luck. Take care and thank you.